मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचानो। शाहरुख खान की रियल पर्सनालिटी क्यों फरहान अख्तर ने पहना है नकाब और किस वजह से है प्रियंका चोपड़ा जॉनस ज्यादा मशहूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड राज स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। कलाकार होते हैं ना, इनमें ये हुनर होता है कि ये खुद अपने आप को छुपाकर अपने किरदार की तरह बना सकते हैं और पल में ही अपने असली रूप में आ सकते हैं। सभी कलाकारों में ये गुण होता है कि वे पर्दे पर खुद को मुश्किल से मुश्किल कैरेक्टर में समा सकते हैं, भले वो उनकी निजी पर्सनालिटी से कितनी ही अलग क्यों ना हो। तो आज हम यही पर्दे और वास्तविक जीवन में जो एक डिफरेंस है कलाकारों की जिंदगी में, इस विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। रिवीलिंग अबाउट द अपकमिंग कास्ट ऑफ मूवी डॉन 3। हाँ, सही सुना आपने, डॉन 3 मूवी जल्द ही थिएटर्स को हिट करने वाली है और इस मूवी में कई ऐसे कलाकार हैं जो ऑन स्क्रीन भले ही बहुत सीरियस और इंटेंस लगे मगर रियल लाइफ में वे बड़े ही चुलबुले और इंटरेस्टिंग हैं। तो डॉन 3 को डायरेक्ट करने जा रहे हैं फरहान अख्तर और इस मूवी की मेन कास्ट में आते हैं शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जॉनस एंड बमन ईरानी। अगर हम शुरुआत इस मूवी के डायरेक्टर से ही तो फरहान अख्तर हमेशा स्क्रीन पर डिफरेंट रोल्स करते हुए नजर आए हैं, भले वो सीरियस रोल हो, कॉमेडी रोल हो, ह्यूमर वाला रोल हो, वे हर परफॉर्मेंस को बड़ी ही खूबसूरती के साथ देते हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो फरहान बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए इंसान है जिन्हें किताबें पढ़ना, म्यूजिक और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। फरहान हर चीज को बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हैं और उस पर चर्चा भी करना पसंद करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इस मूवी में डॉन का रोल प्ले कर रहे एक्टर शाहरुख खान पर। शाहरुख को तो जब सब जानते हैं और कोई हद तक ये भी कहा जा सकता है कि उनकी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी में शायद ही ज्यादा डिफरेंस हो। शाहरुख आज तक जितनी भी वैरायटी के रोल्स बॉलीवुड में आए हैं उनमें से लगभग सारे ही रोल्स कर चुके हैं। शाहरुख खान खुद को जितना हो सके उतना नेचुरल रखना पसंद करते हैं। इन मूवी डॉन ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना प्लेफुल बिहेवियर को इंटेंस एक्टिंग के साथ मिला दिया था जो कि पर्दे पर एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टर की तरह दिखा था। लेकिन इस बात से ये फैक्ट इग्नोर नहीं करा जा सकता कि सार के इंडीड द किंग ऑफ वर्सेटाइल एक्टिंग। अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। तो भले ही डॉन मूवी में एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी एंड सीरियस कॉप बनी हो पर अपनी रियल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा हसमुख, शांत और पॉजिटिव पर्सन है। प्रियंका कई लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन की तरह है। प्रियंका बहुत ही ज्यादा वोकल पर्सन है जो हर तरीके से अपने फैंस को इंस्पायर करने की कोशिश करती रहती है। प्रियंका स्क्रीन पर अपनी पर्सनैलिटी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ढालने में माहिर है। प्रियंका खुद भी ये बात मेंशन कर चुकी है कि वे खुद की रियल लाइफ और स्क्रीन लाइफ के बीच हमेशा एक गैप रखना पसंद करती है एंड फैंस को भी उनकी बहुत ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों ही पर्सनालिटीज काफी पसंद आती है। बमन ईरानी भी निजी जीवन में एक बहुत ही ज्यादा फनी बट सीरियस इंसान है। डॉन 3 मूवी में भले ही नेगेटिव रोल में दिखे हो लेकिन असलियत में वे एक हीरो हैं। तो फिलहाल हम लोग करते हैं डॉन 3 मूवी का थिएटर्स में आने का इंतजार ताकि हम अपने फेवरेट सितारों को दोबारा उनकी निजी लाइफ से एक्टिंग लाइफ में एक आर्टिस्टिकली लॉन्ग लीप मारते हुए देख सके।
इस फिल्म की रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म से जुड़ी कई और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। क्या फाइनली बनने जा रही है डॉन 3? आखिर फरहान और रितेश ने क्यों कहा था कि वो डॉन 3 नहीं बनाएंगे? क्या होने वाली है डॉन की खास बातें? क्या डॉन की सीरीज पर बनने वाली है एक वीडियो गेम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बलीग्राज स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। डॉन और उससे जुड़ी सभी खबरें जो होती हैं हम बेताब होते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये सीरीज़ है और डॉन 3 का सभी को इंतज़ार है। लेकिन एक टाइम था जब डॉन 3 के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे फरहान, और उन्होंने कहा था कि नहीं, अब उनके पास कोई स्टोरी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है। इसकी वजह से अब ये जो डॉन है वो डेड होने वाली है। डॉन में आपको अमिताभ बच्चन नज़र आए थे, इसके बाद डॉन 2 में नज़र आए थे शाहरुख खान, और शाहरुख खान ने क्या कमाल दिखाया था। और तभी से इंतज़ार हो रहा है, जैसे कि डॉन 2 में उनका डायलॉग भी था कि डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन शाहरुख को बता दें कि डॉन 3 का इंतज़ार तो पूरी दुनिया सालों से कर रही है। अब ये बात सामने आई है कि कुछ समय पहले ही फरहान ने द स्काई इस पिंक की शूट से फ्री हुए जब, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम करेंगे इस फिल्म को, कैसे इस फिल्म को आगे बढ़ाना है उसका भी उनको आइडिया आया, और फिर उन्होंने ठप्पा लगाया पॉजिटिव कि हाँ डॉन 3 आ रही है। 2019 में ये बात भी बाहर आई थी कि एक और शाहरुख खान ने कहा कि वो 6 महीने तक कोई काम नहीं करना चाहते, पर सिर्फ अपनी फैमिली और बच्चों को टाइम देना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वहीं फरहान अख्तर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मूवी तूफान में व्यस्त हो गए, लेकिन अब दोनों के दोनों फ्री है। भले पठान की शूटिंग में बिजी है, लेकिन शाहरुख ने भी कह दिया है कि वो इंटरेस्टेड है अब जाकर डॉन 3 को करने के लिए, और फरहान ने भी लॉकडाउन में पूरी तैयारी कर ली है इसकी स्क्रिप्टिंग पर, कैसे डायरेक्शन होगा, कहाँ कहाँ शूटिंग होगी। तो अब फाइनली हमें डॉन 3 देखने को मिली, लेकिन कोविड के चलते जैसे सिचुएशन है शूट में लेट हो सकता है, लेकिन डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग में लेट नहीं हो सकता, इसकी स्क्रिप्टिंग चालू हो चुकी है। वहीं डॉन 2 में आपको नज़र आई थी प्रियंका चोपड़ा शाहरुख के अपोजिट, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि गौरी खान ने बिल्कुल ही मना कर दिया शाहरुख को कि वो प्रियंका के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त शाहरुख और प्रियंका की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर की खबरें आने लग गई थी, जिससे गौरी खान बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और फिर उन्होंने शाहरुख से एक वादा लिया कि आज के बाद वो प्रियंका के साथ कोई भी फिल्म नहीं करेंगे। आपका पता नहीं है कि अब हालात सुधरे हैं, हो सकता है अब प्रियंका की शादी हो चुकी है, सब सामान्य हो और प्रियंका वापस इस फिल्म में आए, लेकिन जहां तक चांसेस है प्रियंका डॉन 3 में नहीं होंगी। तो अब प्रियंका चोपड़ा नहीं तो कौन बनेगी डॉन 3 की एक्ट्रेस, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको कितना वेट है डॉन 3 का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ। और कब होगा मूवी का ट्रेलर रिलीज? क्या फाइनलाइज हुई है मूवी की रिलीज डेट? आपको सभी सवालों का जवाब जल्द मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्ते एंड सलाम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। तब बात करते हैं उसकी कास्टिंग की। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग अभी पूरी तरह से डिसाइडेड तो नहीं है, मगर लीड रोल तो शाहरुख खान का ही होगा ना, आखिर उनसे बेहतर अब इस रोल को कौन निभा सकता है। इससे पहले डॉन के फर्स्ट और दूसरे पार्ट में भी उन्होंने ही लीड किरदार निभाया था, और ऑडियंस को उनका रोल और उनके डायलॉग बेहद पसंद आए थे। आज भी ऑडियंस उनके रोल की तारीफ करती है। इससे पहले 90s के डॉन में लीड अमिताभ बच्चन थे, और उसके बाद 2006 में एक और डॉन आई जिसमें शाहरुख खान ने रोल किया, और लोगों ने उस मूवी को और उनके रोल को इतना पसंद किया कि 2011 में उसका सीक्वल डॉन 2 भी रिलीज हो गई, और दोबारा उस मूवी को काफी ज्यादा प्यार मिला। तो अब काफी समय से डॉन 3 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो दोनों ही सीक्वल में प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस थी, जो कि एक बहादुर कॉप का किरदार निभाते हुए नजर आई हैं। प्रियंका और शाहरुख की इस मूवी में प्यारी सी टकरार दर्शकों को काफी पसंद आई थी, मगर इस बार प्रियंका इस मूवी में नजर नहीं आने वाली है। अब ये बात तो आपके लिए दुख भरी हो सकती है। अब इस बात का खुलासा फिल्म ट्रेड एनालिसिस रमेश बाला ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, डॉन 3 की शूटिंग दुबई और अबू धाबी में होने वाली है, और शूटिंग 2019 में शुरू होगी।
मूवी में लीडिंग लेडी का किरदार अभी एक नई एक्ट्रेस करेंगी। इससे ये बात तो साफ है कि प्रियंका इस फिल्म की थर्ड फ्रेंचाइज में नजर नहीं आने वाली है। अभी कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण को फिल्म की लीड एक्ट्रेस का किरदार देने की बात की जा रही थी, मगर ये बात भी फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने क्लियर करते हुए लिखा, दीपिका डॉन्थ्री का पार्ट नहीं होंगी। अब फरहान अख्तर भी मूवी में कॉप का रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। फरहान एक्टर और डायरेक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी है। हालांकि फरहान का इस फिल्म में होने को क्लेम को फरहान ने क्लियर करते हुए कहा कि उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो डॉन 3 के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उसे न्यूज बना रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। फिल्म के बारे में गलत न्यूज और फैंस को गलत एक्सपेक्टेशंस को देना सही नहीं है। अब मूवी में वो होंगे या नहीं तो मूवी को किसी कन्फर्मेशन या टीजर आने पर ही पता चलेगा। तब तक फैंस बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचान। डॉन 3 कब आ रही है और फिल्म डॉन 3 में क्या नया होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। मेरा नाम है गरिमा अरोड़ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस मच अवेटेड मूवी डॉन 3 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो का सिलसिला। दोस्तों डॉन एक मीडिया फ्रेंचाइजी है जो एक काल्पनिक भारतीय अंडरवर्ल्ड बॉस डॉन पर केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंचाइजी की शुरुआत 1978 की बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन से हुई है। मूल फिल्म में प्लॉट विजय के इर्द गिर्द घूमता है और डॉन का एक लुक जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उसे मुखर करने के लिए कहा है। दोस्तों रीमेक सीरीज में प्लॉट खुद डॉन के इर्द गिर्द घूमता है। डॉन में कई दक्षिण भारतीय रीमेक और स्पिन ऑफ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बिल्ला श्रृंखला शामिल है, जिसमें 3 तमिल फिल्म और तेलुगू रीमेक भी शामिल है और साथ ही एक तेलुगु रीमेक और एक मलयालम रीमेक भी है। डॉन और डॉन 2 के निर्देशक फरहान अख्तर ने कई मौकों पर डॉन के लिए लिखने की अफवाह फैलाई है। दोस्तों कई बार दर्शकों को डॉन 3 की उम्मीद थी, हालांकि उस तरह का कुछ भी नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, एक साक्षात्कार में निर्देशक ने कहा कि काश ये सच होता। हर बार जब ये अफवाहें उड़ती हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों को जाने दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास एक बुकन के लिए एक विचार तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्क्रिप्ट लिखी है जरवान। कह रहे हैं कि उनके दरवाजे पर दोबारा आने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ जरवान का दरवाजा नहीं, अपना कंसाइनमेंट लेने आया हूँ। हो रहा तुम्हारा कंसाइनमेंट। क्या तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में 36 ऐसी जगह है जहां तरीके से मारा जाए तो उसकी मौत हो सकती है। बस मेरे लिए एक फैसला करना मुश्किल हो रहा है। वो क्या? तुम दोनों में से पहले किसे मारा जाए।
मैं यहाँ तुम्हें अपने बर्थडे का कार्ड दे रहा हूँ। Where is my money? Right here. छोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना? अब क्या क्या छोड़ो? सबको तो छोड़ चुका हूँ, सिवाय तुम्हारे। Really, Don? आज तो मुझे लगा कि तुम पकड़े जाओगे। मैंने नहीं सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि टीजे पीस के नाम पर गया। वो नकली। वो बड़े सुना। एशिया के पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। माय किंग। और जहां तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है, एक बात हमेशा याद रखना, प्लीज डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। जरवान कह रहे हैं कि उनके दरवाजे पर दोबारा आने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ जरवान का दरवाजा नहीं, अपना कंसाइनमेंट लेने आया हूँ। वो रहा तुम्हारा कंसाइनमेंट। क्या तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में 36 ऐसी जगह है जहाँ तरीके से मारा जाए तो उसकी मौत हो सकती है? बस मेरे लिए एक फैसला करना मुश्किल हो रहा है। वो क्या? तुम दोनों में से पहले किसे माना जाए? डॉन को वापस ढूंढने की कोशिश की जाएगी? क्या प्रियंका चोपड़ा डॉन 3 में हमें नहीं दिखाई देंगी? क्या शाहरुख खान एक न्यू फेस को लॉन्च करेंगे? मैं हूं दृष्टि जोशी और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जिन्हें आखिरी बार फिल्म जीरो में 2018 में देखा गया था, वो वापस हमें डॉन बनते नजर आ सकते हैं। जीरो में शाहरुख खान ने अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करी थी। फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था और फिल्म काफी लोकप्रिय भी हुई थी। जीरो में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की एक स्पेशल अपीयरेंस भी थी और ऑडियंस को फिल्म काफी पसंद भी आई थी। लेकिन शाहरुख खान के फैंस को तो बस उनके डॉन बनने का इंतजार है। डॉन 2 को रिलीज हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और खबरों का बाजार गर्म है कि डॉन 3 जल्द ही फ्लोर्स पे आ सकती है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर और राइटर फरहान अख्तर ने डॉन 2 का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के 9 साल पूरे होने पर सभी कलाकारों को बधाई दी, जिसके बाद ट्विटर पे फैंस ने डॉन 3 को बनाने की बात रखी। कई फैंस ने तो एक नया हैशटैग भी जारी कर दिया और इसी से पता लगाया जा सकता है कि डॉन 3 को लेकर फैंस कितने जोश में हैं। डॉन 3 फरहान अख्तर की फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन की लास्ट फिल्म मानी जा रही है। अगर खबरों की माने तो फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चालू हो गया है, लेकिन फरहान अख्तर चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले जिसके चलते फिल्म को कोई नुकसान हो। डॉन का टाइटल 1978 की फिल्म डॉन, जिसमें अमिताभ बच्चन और जीनत अमान लीड रोल्स में नजर आए थे, उसी से प्रेरित है। फिल्म डॉन 2006 में शाहरुख खान के साथ एक बार फिर रिलीज की गई। शाहरुख खान के साथ ईशा कोप्पिकर, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान और बोमन ईरानी दिखाई दिए थे। डॉन इतनी लोकप्रिय हुई कि फरहान अख्तर ने फिल्म का सीक्वल बनाने की सोची और 2011 में डॉन 2 रिलीज की गई। डॉन 2 में ईशा कोप्पिकर और करीना कपूर खान नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और बोमन ईरानी अहम भूमिका में नजर आए थे। डॉन 2 ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 300 करोड़ रुपए भी कमाए थे और 2011 की वो एक सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई। आज फिल्म के 9 साल बाद भी फैंस को फिल्म के तीसरे और फाइनल पार्ट का इंतजार है, लेकिन फिल्म को लेकर कोई भी बात क्लियरली सामने नहीं आई है। सोर्सेज की माने तो फरहान अख्तर फिलहाल अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना चाहते हैं और फिल्म डायरेक्ट करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉन 3 को कोई और डायरेक्ट करेगा? खबरों की माने तो शाहरुख खान फरहान अख्तर के साथ ही फिल्म करना चाहते हैं। शाहरुख खान तो हमें डॉन 3 में दिखेंगे ही, लेकिन उनकी जंगली बिल्ली यानी कि प्रियंका चोपड़ा शायद ही में नजर आए। प्रियंका चोपड़ा जो आज बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में ही काम कर रही है, उनकी डेट्स मिलना काफी मुश्किल हो गया है। प्रियंका चोपड़ा को फिल्म में इसलिए भी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि डॉन 2 की एंडिंग होते ही प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर भी एंड हो गया था, तो इसीलिए भी फरहान अख्तर ये नहीं चाहते कि वो रोमा के कैरेक्टर को जबरदस्ती आगे खींचे। हाल ही में फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा साथ में 2019 में रिलीज हुई द स्काई इज पिंक में नजर आए थे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के रोल निभाते हुए दिखाई दिए थे और एक रीसेंट इंटरव्यू में जब प्रियंका चोपड़ा से डॉन 3 को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये बताया कि उनसे अभी तक स्क्रिप्ट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन सी हीरोइन शाहरुख खान के ऑपोजिट में नजर आएगी?
रूमर्स अगर सच है तो शाहरुख खान के ऑपोजिट हमें एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। SRK के ऑपोजिट एक न्यू फेस देखना काफी दिलचस्प होगा। फिल्म को डॉन फ्रेंचाइजी का लास्ट चैप्टर भी बताया जा रहा है। फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और शाहरुख खान ने मिलकर ये डिसीजन लिया है और वो ये नहीं चाहते कि फिल्म को जबरदस्ती ड्रैग किया जाए जिसके कारण ऑडियंस उनकी फिल्म से इंटरेस्ट लूज कर दे। इसलिए डॉन 3 फिल्म फ्रेंचाइजी का लास्ट चैप्टर मानी जा रही है। फिलहाल शाहरुख खान फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम के साथ वो नजर आएंगे। पठान के बाद दीपिका पादुकोण और SRK एक बार फिर एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे जिसका नाम सनकी बताया जा रहा है। और खबरों की माने शाहरुख खान अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी एक कैमियो रोल करते दिखाई दे सकते हैं। ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी ऑडियंस को पहली बार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 2021 में हमें शाहरुख खान कई फिल्मों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे अवेटेड फिल्म डॉन 3 ही रहेगी। और अब हम यही आशा करते हैं कि डॉन 3 के मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर हम सभी को खुश कर दे। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊं। क्या डॉन 2 के एनिवर्सरी पर मिल चुका है डॉन 3 का सरप्राइज? क्या ऋतिक रोशन इस बार फिल्म में होने वाले हैं? क्या कैटरीना कैफ की भी एंट्री होने वाली है डॉन 3 में? क्या होने वाली है डॉन 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। बात करेंगे डॉन 3 की, जो कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। आपको बता दें, शाहरुख खान और फरहान अख्तर की जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन की तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार फैंस को काफी समय से है। और अब जब 23 दिसंबर को डॉन 2 की रिलीज को 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस पर डायरेक्टर फरहान अख्तर ने फिल्म से जुड़ी कुछ यादें शेयर की और इन यादों के साथ फरहान ने डॉन 3 का भी हिंट दे दिया। दरअसल फरहान ने डॉन 2 की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, डॉन 2 को 9 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन तलाश अभी भी जारी है। अब जब से फरहान ने ये लिखा है, फैन बस डॉन 3 का इंतज़ार करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। ये हिंट मान रहे हैं कि लगता है कि डॉन 3 आने ही वाली है। वैसे तो डॉन 3 के बारे में अफवाहें अक्सर उड़ती ही रहती है। किस्सों की माने तो फरहान ने कुछ आइडिया शाहरुख को पिच भी किए थे, लेकिन शाहरुख खान को वो आइडिया पसंद नहीं आए। कुछ सालों पहले अफवाह थी कि डॉन 3 का नाम होगा डॉन द फाइनल चैप्टर। फिल्म के लिए एक कहानी भी फाइनल कर ली गई थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। वहीं आपको बता दें, फरहान अख्तर की इस फिल्म की कहानी से जावेद अख्तर को बिल्कुल दूर रखा गया है। दरअसल इस फिल्म को अमित और अमरीश नाम के दो लोग फरहान अख्तर के पास डॉन सीक्वल के ढेर सारे आइडियाज़ लेके आए थे। फरहान ने उन्हें अपने आइडिया भी बताए और सीक्वेंस लिखने का जिम्मा भी सौंपा है। अब जावेद अख्तर को दूर रखने की एक वजह है। दरअसल फरहान अख्तर इस फिल्म से जावेद अख्तर को इसीलिए दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो डॉन 3 बनाएगा उसे डॉन का बहुत बड़ा फ़ैन होना चाहिए और उनके पिता ने खुद ये कहानी लिखी है, तो वो डॉन के फ़ैन कैसे हो सकते हैं। इसीलिए इस बार ये तीनों, यानी कि जो जिनका नाम मैंने आपको बताया, उसके साथ फरहान अख्तर काम करेंगे और डॉन की पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे। वहीं आपको बता दें, कैटरीना कैफ की भी एंट्री हो सकती है। कैटरीना कैफ हमेशा से किसी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा बनना चाहती थी, इसीलिए इस फिल्म के एक छोटे से हिस्से को कैटरीना कैफ ने एडिट किया है। फरहान का कहना था कि वो चाहते थे कि कैटरीना की यह दिली ख्वाहिश पूरी की जाए। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा ने सारे स्टंट खुद ही किए थे। दोनों ने बॉडी डबल लेने से इनकार किया था। फिल्म के एक सीन के लिए शाहरुख खान ने एक 300 फीट की बिल्डिंग से छलांग भी लगाई थी। वहीं फिल्म के कुछ सीन मलेशिया के मलक्का जेल के असली कैदियों के साथ शूट किया गया था। इसके लिए फिल्म के क्रू को अलग से कपड़े दिए गए थे जिससे समझ आ सके कि कौन कैदी है और कौन फिल्म का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें, फिल्म के मशहूर कार चेस सीक्वेंस के लिए कोरिया से 67 खास कारें मंगवाई गई थी। इतना ही नहीं, इस सीन की शूटिंग के लिए बर्लिन के एक बड़ी
अहम सड़क 3 हफ्तों के लिए बंद कर दी गई थी। वहीं लोगों को रोज अलग रास्ते से जाने का आदेश भी दिया गया था। इतने बड़े बजट की ये फिल्म रखी गई थी, इतने बड़े हेर फेर इस फिल्म के लिए किए गए थे। वहीं आपको बता दें, फिल्म यूके में 2 दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर को रिलीज हो गई थी और रिलीज होते ही इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था। यूके की टॉप 10 रिलीज फिल्मों के बॉक्स ऑफिस लिस्ट में खुद का नाम शामिल कर लिया था। इस फिल्म में काम करने के लिए बमन ईरानी ने 12 किलो वजन घटाया था। उन्होंने अपने लुक को धोखेबाज जैसा दिखाने के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई थी। बमन का कहना था कि फिल्म में विलन का किरदार बतौर एक्टर उनके करियर से को अलग ही दिशा देने वाला था, उनके करियर के लिए बेहद खास था। वहीं आपको बता दें, पिछले कुछ समय से ये भी अफवाह उड़ी थी कि ऋतिक रोशन भी एक कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। ऐसे में जब पब्लिक ने फिल्म में ऋतिक रोशन को देखा तो वो चौंक गए। फिल्म की रिलीज के बाद ऋतिक का नाम फिल्म की पब्लिसिटी में काफ़ी काम आया। तो दोस्तों, ये तो डॉन 2 से जुड़ी हुई खास बातें थी, और अब डॉन 3 का इंतज़ार हम सभी को है, जिसका हिंट हमें फरहान अख्तर ने दे दिया है। हो सकता है कि जल्द ही इस पे काम करे शाहरुख खान। फिलहाल तो पठान की शूटिंग करें, आपको कितना इंतजार है डॉन 3 का? के रूमर्स को लेकर, क्या रितेश सिद्धवानी ने फिल्म के लीड एक्ट्रेस को लेकर दिए कुछ अपडेट्स? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई चटपटी वीडियो में मैं पलक गुप्ता आज आपसे बात करने वाली हूँ डॉन 3 फिल्म के बारे में। डॉन 2 की सीक्वल को लेकर दिन ब दिन बहुत सी खबरें आ रही हैं सामने, और डॉन फ्रेंचाइजी एक मेडिना फ्रेंचाइजी है सेंटर्ड डॉन, जिसमें फिक्शनल सीरीज है जो कि बेस्ड है इंडियन वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड बॉस पर। अब डॉन फ्रेंचाइजी 1978 में ओरिजिनेट हुई थी और हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन के साथ। डॉन फिल्म की रीमेक सीरीज डॉन द चेज बिगिंस अगेन के साथ हुई, और उसके बाद 2011 में सीक्वल फिल्म डॉन 2 द किंग इज बैक रिलीज हुई। डॉन और डॉन 2 के सुपरहिट होने के बाद फिल्म पर कॉमिक्स और वीडियो गेम्स भी बनाए गए, और 1978 में आई डॉन फिल्म की स्टोरी दी थी सलीम और जावेद अख्तर ने। डॉन फिल्म को डायरेक्ट किया था चंद्रा बारोट ने, जिसने अमिताभ बच्चन टिटुलर रोल में निभाए गए थे। अब रीमेक सीरीज का डायरेक्शन जावेद की ही बेटे अफरान अख्तर ने किया, जिसमें टिटुलर रोल में शाहरुख खान थे। अब डॉन फिल्म हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन
एक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी में एक से एक है। फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास फिल्म के प्लॉट के लिए अभी तक कुछ प्रॉपर आइडियाज नहीं आए हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर डॉन 3 को लेकर काफी खबरें सामने आती हैं और फिल्म की कास्टिंग को लेकर, स्क्रिप्टिंग को लेकर और बहुत सी, जिसमें हमेशा क्वेश्चंस होते हैं फरहान अख्तर से, और रोज भी इन सब ट्वीट से तंग आकर हो चुके हैं। फरहान ने कहा कि अब जब डॉन 3 की प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग और प्लॉट रेडी हो जाएगा तब वो ऑफिशियल अनाउंस कर देंगे, उन्हें अभी ऐसे परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करंटली फरहान उनकी आने वाली फिल्म तूफान पर काम कर रहे हैं और रितेश सिद्धवानी, जिन्होंने डॉन और डॉन 2 को प्रोड्यूस किया था, वो रिसेंटली मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कहा एक्सेल एंटरटेनमेंट की डॉन फ्रेंचाइजी पर हम वर्क कर रहे हैं और सून अनाउंस भी कर देंगे। अब कुछ रूमर्स ऐसे सामने आ रहे हैं कि डॉन 3 में प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस दीपिका पादुकोण से किया जा रहा है, लेकिन रितेश सिद्धवानी ने कहा कि दीपिका पादुकोण फिल्म का पार्ट नहीं है, लेकिन इस बार डॉन 3 कल प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड एक्ट्रेस नहीं होने वाली है। अब बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे आपको कि अगली सीरीज या अगली फिल्म में कौन रहेगा हीरो, कौन रहेगी हीरोइन। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट को रुशाली ने लिखा है। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। जो गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाकर। क्या डॉन 3 में फरहान अख्तर निभाएंगे कॉप की भूमिका? किस फॉल्स न्यूज पर भड़के फरहान अख्तर? क्या हो चुकी है फिल्म की स्क्रिप्टिंग शुरू? हेलो एंड वेलकम टू बॉल गैप स्टूडियोज के एक और नई और चटपटी वीडियो में, जहां मैं पूनम बात करने वाली हूं डॉन 3 के बारे में। फरहान अख्तर की डायरेक्शनल फिल्म डॉन की थर्ड इंस्टॉलमेंट इस वक्त टॉक्स में है, जिसे लॉट ऑफ स्पेकुलेशन बन रहे हैं। फिल्म की कास्टिंग, प्लॉट और रिलीज के बारे में जिसे डॉन सीरीज की टीम परेशान हो रही है। 2006 में रिलीज हुई फिल्म अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म की रीमेक थी, जो की रिलीज हुई थी 1978 में। डॉन के सुपरहिट होने के बाद फरहान अख्तर ने डॉन के सीक्वल डॉन 2 को भी डायरेक्ट किया। दोनों ही फिल्मों में लीड एक्टर शाहरुख खान थे। फर्स्ट फिल्म में डॉन द चेज बिगेंस अगेन इंडिया हिंदी इंडियन लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट फरहान अख्तर ने किया था और फिल्म को रिलीज 2006 में किया गया था। फिल्म में हमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ईशा कोपिकर और ओम पुरी देखने को मिले थे। डॉन 1978 में आई फिल्म में सेम टाइटल का रीमेक थी, जिसे लिखा गया था सलीम और जावेद की जोड़ी ने। फिल्म में स्क्रीन प्ले दिया था जावेद अख्तर ने और फिल्म को बेहतरीन साउंड ट्रैक दिया था शंकर ईशान लॉय ने। डॉन फिल्म के बजट रखा गया था 35 करोड़ का और फिल्म ने कलेक्शन किया था 106 करोड़ का। डॉन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और डॉन 2 2011 में रिलीज की गई थी, जिसमें हमें शाहरुख खान के ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा देखने को मिली। फिल्म का बजट रखा गया था 85 करोड़ और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 280 करोड़ का। डॉन और डॉन 2 के बाद डॉन सीरीज के फैंस में डॉन 3 को लेकर काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू में दौरान कहा कि स्क्रिप्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन अब कुछ रूमर्स के सामने आ रहे हैं कि एक्टर डायरेक्टर फरहान फिल्म में कॉप की भूमिका निभाने वाले हैं, जिस पर उन्होंने लिखा कि रिक्वेस्ट दोज हु कॉन्जर अप न्यूज अबाउट डॉन 3 विदाउट एनी फैक्ट चेकिंग टू प्लीज रीफ्रेम। इट इज नॉट फेयर टू रेज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फिल्म्स फैन बेस वी फॉल्स न्यूज। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को और मिलते हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज की अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और चटपटी बातों के साथ। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट।
डॉन 3. क्या फरहान अख्तर करने वाले हैं फिल्म डॉन 3 को डायरेक्ट? क्यों नहीं की गई फिल्म की अनाउंसमेंट शाहरुख खान के बर्थडे के दिन? क्या फरहान अख्तर ने लिया है ब्रेक डायरेक्शन से? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई और चटपटी वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी डॉन 3 के बारे में. डॉन 3 फिल्म और डॉन 2 के फ्रेंचाइजी की सीक्वल फिल्म है. डॉन 3 द चेज एंड्स फिल्म डॉन 2 के सीक्वल की फिल्म रहने वाली है. डॉन 2 के रिलीज होने के बाद फरहान अख्तर ने कहा कि डॉन 3 की प्लानिंग चल रही है. फरहान अख्तर फिल्म की स्क्रिप्ट 2014 से लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में पूरी कर लेंगे. अभी तक फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में कुछ कंफर्म खबर नहीं आई है. शाहरुख खान डॉन के किरदार में हमें फिर से नजर आने वाले हैं. बोमन ईरानी, कुणाल कपूर, वरदान एयर समीर अली के किरदार में नजर आएंगे. फरहान अख्तर फिल्म में इंटरपोल ऑफिस की भूमिका निभाने वाले हैं. फिल्म के लोकेशन और स्टार्स की कास्टिंग अभी तक रिवील नहीं की गई है, पर खबरों की मानो तो जल्द से जल्द स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है. बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान फिल्म डॉन में हमें दिखाई दिए थे, जो कि अमिताभ बच्चन को सेम टाइटल वाली फिल्म है, जिसके रिलीज हुए रिसेंटली 14 साल हुए हैं. डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कमाल की एक्टिंग की थी. डॉन 3 के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें शाहरुख खान थे और कैप्शन लिखा था, डॉन को याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि डॉन तो बुक बहुत जाने माने हैं और उनको भूल जाना नामुमकिन है. #14yearsofdawn. फरहान अख्तर की ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. फैंस को एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन 3 चाहिए. ऐसा कहा जा रहा था कि मेकर्स डॉन 3 की अनाउंसमेंट शाहरुख खान के रीसेंट बर्थडे पे करने वाले थे 2 नवंबर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रीसेंट रिपोर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट पोर्टल ऐसा कहा कि डायरेक्टर अगली एक साल तक डायरेक्टर की हट नहीं पहनने वाले हैं, क्योंकि वो करंटली अपनी नेक्स्ट फिल्म तूफान मूवी में बिजी हैं और क्योंकि डायरेक्टर असाइनमेंट नहीं लेने वाले हैं उनकी फिल्म की पूरी शूटिंग हो जाने तक. उन्होंने कहा डायरेक्शन अभी नहीं करने वाले हैं, माइंड है अभी एक्टिंग और म्यूजिक में ज्यादा, और जल्द ही डॉन 3 की भी अपडेट्स देंगे. बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहे. ये कहानी लिखी है रुशाली ने. जरवान कह रहे हैं कि उनके दरवाजे पर दोबारा आने के लिए शुक्रिया. मैं यहाँ जरवान का दरवाजा नहीं, अपना कंसाइनमेंट लेने आया. हो रहा तुम्हारा कंसाइनमेंट. क्या तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में 36 ऐसी जगह है जहां तरीके से मारा जाए तो उसकी मौत हो सकती है? सब बस मेरे लिए एक फैसला करना मुश्किल हो रहा है. वो क्या? तुम दोनों में से पहले किसे माना जाए. डॉन 3. रितेश सिद्वानी ने डॉन 3 में कास्टिंग के बारे में क्या किया कंफर्म? क्या जैकलीन को किया जाएगा फिल्म के लिए अप्रोच? क्या शाहरुख के साथ प्रियंका भी रहेगी फिल्म में? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई और चटपटी वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी डॉन 3 के बारे में. डॉन सीरीज की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्द ही हमें देखने को मिलेगी. जी हाँ दोस्तों, डॉन और डॉन 2 के बाद डायरेक्टर फरहान अख्तर शुरू करने वाले हैं डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग. डॉन और डॉन 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म रह चुकी हैं. आपको पता ही है डॉन और डॉन 2 में शाहरुख खान ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए थे, पर पिछले कुछ दिनों में ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि शाहरुख खान दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा. एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा. रितेश सिद्वानी ने डॉन 3 में कास्टिंग के बारे में क्या किया कंफर्म? क्या जैकलीन को किया गया है फिल्म के लिए अप्रोच? क्या शाहरुख के साथ प्रियंका भी रहेंगी फिल्म में कंफर्म? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई और चटपटी वीडियो में,
जहां हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी डॉन 3 के बारे में। डॉन सीरीज की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्द ही हमें देखने मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, डॉन और डॉन 2 के बाद डायरेक्टर फरहान अख्तर शुरू करने वाले हैं डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग। डॉन और डॉन 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म रह चुकी है। आपको पता ही है डॉन और डॉन 2 में शाहरुख खान ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया था, पर पिछले कुछ दिनों में ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि शाहरुख खान डॉन 3 का पार्ट नहीं रहेंगे। डॉन सीरीज के फैंस शाहरुख खान के बिना डॉन 3 को इमेजिन भी नहीं कर सकते। फैंस सोशल मीडिया हैंडल पर आए दिन डॉन 3 के बारे में अपडेट्स पूछते नजर आते हैं। डॉन सीरीज के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने आखिर इन रूमर्स का जवाब दे ही दिया। रितेश सिद्धवानी ने कहा कि फिल्म की टीम का कोई भी इंटेंशन नहीं है स्टार कास्ट चेंज करने में। सो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख विलेनियस स्ट्रीक में वापस आने वाले हैं डॉन सीरीज के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ। रितेश सिद्धवानी ने ऐड किया, डायरेक्टर फरहान अख्तर स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। शाहरुख खान ने बिग बी की फिल्म डॉन का रीमेक करके डॉन सीरीज में स्टेप इन किया, फॉलोड बाय डॉन 2, जिससे भी ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इसी कारण ऑडियंस डॉन 3 का भी वेट कर रही है। पिछले कुछ दिनों से रूमर सामने आ रहे हैं कि जैकलिन फर्नांडिस को किया गया है डॉन 3 के लिए अप्रोच। जब जैकलिन से ये क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा, मैं रिसेंटली मुंबई में वापस आई हूँ और तब से दिस न्यूज हैज बीन डूइंग राउंड्स। मुझे नहीं पता न्यूज कहाँ से आई है, बिकॉज मैंने अभी तक डॉन फिल्म के लिए टीम से बात नहीं की है। इट्स फॉल्स न्यूज। जैकलिन को पूछा गया था वो इंटरेस्टेड है क्या शाहरुख खान के साथ काम करने। आपको पता है कि आखिर कौन होगी डॉन 3 की लीड एक्ट्रेस और कब होगा मूवी का ट्रेलर रिलीज? क्या फाइनलाइज हुई है मूवी की रिलीज डेट? आपको सभी सवालों का जवाब जल्द मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्ते एंड सलाम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो अब बात करते हैं उसकी कास्टिंग की। तो दोस्तों, फिल्म की कास्टिंग अभी पूरी तरह से डिसाइडेड तो नहीं है, मगर लीड रोल तो शाहरुख खान का ही होगा ना। आखिर उनसे बेहतर अब इस रोल को कौन निभा सकता है? इससे पहले डॉन के फर्स्ट और दूसरे पार्ट में भी उन्होंने ही लीड किरदार निभाया था और ऑडियंस को उनका रोल और उनके डायलॉग बेहद पसंद आए थे। आज भी ऑडियंस उनके रोल की तारीफ करती है। इससे पहले 90s के डॉन में लीड अमिताभ बच्चन थे और उसके बाद 2006 में एक और डॉन आई जिसमें शाहरुख खान ने रोल किया और लोगों ने उस मूवी को और उनके रोल को इतना पसंद किया कि 2011 में उसका सीक्वल डॉन 2 भी रिलीज हो गई और दोबारा उस मूवी को काफी ज्यादा प्यार मिला। तो अब काफी समय से डॉन 3 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो दोनों ही सीक्वल में प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस थी जो कि एक बहादुर कॉप का किरदार निभाते हुए नजर आई हैं।
प्रियंका और शाहरुख की इस मूवी में प्यारी सी टकरार दर्शकों को काफी पसंद आई थी, मगर इस बार प्रियंका इस मूवी में नजर नहीं आने वाली है। अब ये बात तो आपके लिए दुख भरी हो सकती है। अब इस बात का खुलासा फिल्म ट्रेड एनालिसिस रमेश बाला ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, डॉन 3 की शूटिंग दुबई और अबू धाबी में होने वाली है और शूटिंग 2019 में शुरू होगी। मूवी में लीडिंग लेडी का किरदार अभी एक नई एक्ट्रेस करेंगी। इससे ये बात तो साफ है कि प्रियंका इस फिल्म की थर्ड फ्रेंचाइज में नजर नहीं आने वाली है। अभी कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण को फिल्म की लीड एक्ट्रेस का किरदार देने की बात की जा रही थी, मगर ये बात भी फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने क्लियर करते हुए लिखा, दीपिका डॉन 3 का पार्ट नहीं होंगी। अब फरहान अख्तर भी मूवी में कॉप का रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। फरहान एक्टर और डायरेक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी है। हालांकि फरहान का इस फिल्म में होने को क्लेम को फरहान ने क्लियर करते हुए कहा कि उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो डॉन 3 के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उसे न्यूज बना रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। फिल्म के बारे में गलत न्यूज और फैंस को गलत एक्सपेक्टेशंस को देना सही नहीं है। अब मूवी में वो होंगे या नहीं तो मूवी को किसी कन्फर्मेशन या टीजर आने पर ही पता चलेगा, तब तक फैंस बस इंतजार कर सकते हैं। दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। इससे पहले कि डॉन का दुश्मन अपनी पहली चाल चले, डॉन अपनी अगली चाल चल चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म डॉन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। डॉन 3 के रिलीज के लिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और टैलेंटेड डायरेक्टर और एक्टर फरहान अख्तर भी आगे बढ़ चुके हैं। पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि शाहरुख खान की इस फिल्म में शाहरुख नजर आएंगे भी या नहीं। तो कौन हो सकती है इस फिल्म की कास्ट और क्या प्लानिंग चल रही है डॉन 3 की? फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित डॉन और डॉन 2 को ऑडियंस से ढेर सारा प्यार मिला था, तो अब इस फिल्म के थर्ड फ्रेंचाइज की बातें भी जोर शोर से चल रही हैं। कई खबरों के मुताबिक फरहान इस फिल्म के थर्ड पार्ट को बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, साथ ही में ऑडियंस इस फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रही है। डॉन एक मीडिया फ्रेंचाइज है जो कि डॉन एक फिक्शनल इंडियन अंडरवर्ल्ड बॉस पर बनाई गई है। इस फ्रेंचाइज की शुरुआत 1978 के हिंदी भाषा एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन से हुई थी। 2006 में इसकी रिमेक सीरीज फिल्म डॉन द चेस बिगिन अगेन से शुरू की गई थी। इसका सीक्वल डॉन 2011 में रिलीज किया गया था। साथ ही इस फ्रेंचाइज को कॉमिक्स और वीडियो गेम्स की दुनिया तक भी एक्सपेंड किया गया था। डॉन की ओरिजिनल फिल्म सलीम खान और जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई थी। इस फिल्म को चंद्र बारोट ने डायरेक्ट किया था, जिसके मेन लीड में अमिताभ बच्चन नजर आए थे। इसकी रीमेक सीरीज को जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने क्रिएट किया था, जिसके मेन लीड में शाहरुख खान दिखाई दिए थे। उनके साथ ही इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी और ओम पुरी ने भी स्क्रीन शेयर किया था। तो शाहरुख के बिना तो ये फिल्म नामुमकिन है और फैंस भी उन्हें इस फिल्म में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख की उम्दा परफॉर्मेंस ने सभी के दिल पर एक छाप छोड़ दी थी। डॉन इंडियन फिल्म फ्रेंचाइजेस की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक है। डॉन की ओरिजिनल फिल्म का प्लॉट विजय, जो कि डॉन का हमशक्ल होता है, उसे डॉन को रंगे हाथों एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में पकड़ने का आदेश मिलता है। रिमेक सीरीज का प्लॉट खुद डॉन के चारों ओर ही घूमता दिखाई देता है। डॉन फिल्म की काफी साउथ इंडियन रिमेक्स और स्पिन ऑफ जैसे कि द बिल्ला सीरीज तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म्स में भी बनाया जा चुका है। डॉन 2 की रिलीज के बाद फरहान अख्तर का कहना है कि डॉन 3 बनाने का भी प्लान है। उनका कहना ये भी है कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को 2014 से लिखते आ रहे हैं, पर ये फिल्म अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी इस फिल्म के साथ डॉन के रूप में बिग स्क्रीन पर वापसी करने के लिए एकदम तैयार है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में बोमन ईरानी और कुणाल कपूर अपने रोल्स फरहान और समीर अली को ही रिप्राइज करते नजर आएंगे। बता दें कि इस फिल्म में फरहान अख्तर खुद भी एक्ट करते नजर आएंगे। इस फिल्म में वो एक इंटरपोल ऑफिसर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म की लोकेशंस और कास्टिंग भी जल्द ही रिवील की जाएगी। सुनने में ये भी आ रहा था कि अमायना दस्तूर इस फिल्म में एक 23
साल की लड़की के रूप में डॉन की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती स्क्रीन पर नजर आएंगी। पर हाल ही की रिपोर्ट्स में एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग खान ने इस फिल्म से कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ऑप्ट आउट कर लिया है और बॉलीवुड की सिम्बा रणवीर सिंह इस फिल्म में डॉन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोया अख्तर द्वारा प्रोड्यूस ये फ्रेंचाइज अभी भी काम में लगी हुई है। शाहरुख खान के इस फिल्म से निकलने की वजह से ये फिल्म अभी भी मेन लीड के बिना ही लटकी हुई है। सोर्सेज के मुताबिक इस फिल्म के मेकर्स ने रणवीर सिंह को इस हिट फ्रेंचाइज में शाहरुख की स्पॉट के लिए अप्रोच किया है। अभी ये फिल्म कोविड पैंडेमिक के कारण होल्ड पर रखी गई है। साथ ही में शाहरुख खान अपनी आखिरी 6 फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई उनसे कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहते हैं और प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स सीरीज पे फोकस करना चाहते हैं। तो अभी भी ये कह पाना मुश्किल है कि इस फिल्म में कौन सा स्टार हमें देखने को मिलेगा और इस फिल्म की क्या कहानी होगी और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अपनी पिछली हिट फ्रेंचाइज को टक्कर दे भी पाएगी या नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। और बॉलीवुड में ब्लैक और व्हाइट, अमीर या गरीब, देसी विदेशी, देसी सब बकवास है। डॉन 3 क्या थी डॉन के पहले पार्ट की कहानी? क्या हो गया है डॉन की फ्रेंचाइजी का एंड पार्ट? आप सभी के सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे, बने रहें हमारे साथ। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रिशा के साथ। डॉन 3 की कास्ट में डॉन का किरदार शाहरुख खान निभाने वाले हैं। इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स में भी शाहरुख ने ही डॉन का किरदार निभाया था। डॉन 3 का भी डायरेक्शन पिछली दोनों फिल्मों के डायरेक्टर फरहान अख्तर ही करेंगे। फिल्म का प्रोडक्शन रितेश सिद्धवानी ने किया था और एक बार फिर रितेश इस पार्ट से जुड़ने जा रहे हैं। फिलहाल तो शाहरुख अपने आने वाले प्रोजेक्ट पठान की शूटिंग में बिजी हैं। पठान का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद करने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद अपनी एक्शन मूवीज के लिए काफ़ी फेमस हैं। डॉन के पहले पार्ट में शाहरुख के साथ बोमन ईरानी, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, करीना कपूर और ओम पुरी नजर आए। प्रियंका चोपड़ा कॉप के रोल में नजर आई थी जो डॉन के पीछे पड़ी हुई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई थी कि कुआलालंपुर में कुछ इलीगल ट्रेड बेस्ड है। पुलिस सिंघानिया के ऑपरेशंस पर टारगेट करती है और सिंघानिया का मैनेजर डॉन को पकड़ने की कोशिश करता है। डॉन रमेश को मार देता है जो कि उसका क्लोज एसोसिएट होता है। रमेश की फियांसे कामिनी पुलिस को हेल्प करने का डिसाइड करती है और खुद को बेट की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वो डॉन को पकड़ सके, मगर डॉन को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मार देता है। रमेश की बहन रोमा, जिसका फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने किरदार निभाया था, डॉन से अपने भाई और सिस्टर इन लॉ की मौत का बदला लेने का सोचती है। डॉन इंजर हो जाता है और कोमा में चला जाता है। डॉन के जैसे ही दिखने वाले आदमी विजय को पुलिस हायर करती है ताकि उनकी हेल्प हो जाए, लेकिन आखिर में डॉन कोमा से बाहर आके विजय को इंजेक्शन देकर मार देता है। पुलिस को लगता है कि डॉन की डेथ हो गई है। आखिर में डॉन एशियन ड्रग डीलिंग रिंग का मास्टर बन जाता है और अपनी जगह वर्धान को फंसा देता है। अर्जुन रामपाल ने मूवी में जसजीत आहूजा का रोल किया था। ओम पुरी ने मूवी में इंस्पेक्टर विशाल मलिक का किरदार निभाया। ओम प्रकाश पुरी एक इंडियन फिल्म एक्टर थे जो काफ़ी मेन स्ट्रीम फिल्मों में नजर आए थे। 1990 में पुरी को पद्मश्री से भी नवाजा गया था जो कि फिल्म 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पुरी ने अपना एक्टिंग डेब्यू 1976 की मराठी फिल्म घशीराम कोटवाल फिल्म से किया था। पुरी ने कन्नड़ा फिल्म 1947 में भी पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। 6 जनवरी 2017 को पुरी की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। उन्हें 8th अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया।
डॉन 3 में ओमपुरी की कमी तो काफी खलेगी और अब प्रियंका चोपड़ा को भी दीपिका पादुकोण ने रिप्लेस कर दिया है। कहानी शायद इस बार एक नई कंट्री से फिल्माई जाएगी, एक ऐसी कंट्री जहां ड्रग डीलिंग और क्राइम रेट्स काफी आम बात है। वही फिल्म में दीपिका पादुकोण कॉप का किरदार करती नजर आएंगी। फिल्म के लिए कौन सी लोकेशन रहेगी बेस्ट, हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। मूवी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हम फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है अखिल। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। क्या हो सकता है ये इस फ्रेंचाइज का लास्ट चैप्टर? क्या थी अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म करने की वजह? अब सभी के सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे, बने रहे हमारे साथ। नमस्ते एंड सलाम, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। डॉन एक बहुत टाइम से चलती आ रही फ्रेंचाइज है, जिसे पहले अमिताभ बच्चन ने 1978 में किया और अपनी पहचान बनाई। 2006 में डॉन का एक और पार्ट आया जो कि फ्रेंचाइज की शुरुआत थी, डॉन द चेस बिगिंस। 1978 की डॉन को ओरिजिनली सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा था और फिर 2006 में रिलीज हुई डॉन और 2011 की डॉन 2 का डायरेक्शन जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने किया। 1978 की डॉन को पीछे एक कहानी है। प्रोड्यूसर और सिनेमाटोग्राफर नरीमन ईरानी ने फाइनेंशियल मेस में थे, वो एक करोड़ के कर्जे में थे। जब वो मनोज कुमार की मेजर हिट रोटी कपड़ा और मकान कर रहे थे तो फिल्म की कास्ट अमिताभ बच्चन, दीना तमान और प्राण ने नरीमन ईरानी को हेल्प करने का डिसाइड किया था। उन्होंने सलीम और जावेद को अप्रोच किया और जावेद अख्तर ने उन्हें अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट दी जो डॉन के किरदार के बारे में थी, जिसे इंडस्ट्री के काफी एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। बच्चन को डॉन का किरदार दिया गया और फिल्म का डायरेक्शन बरोद को दिया गया। डॉन का कॉन्सेप्ट शक्ति समानता की चाइना टाउन से काफी रिलेटेड था। मूवी में शमी कपूर का डबल रोल था, जिसमें से एक गैंगस्टर का था और दूसरा कॉमन मैन का, जो इन्फॉर्मर बन गया। फिल्म को कंप्लीट होने में 3.5 ईयर्स लग गए। फिल्म को कंप्लीशन से पहले प्रोड्यूसर ईरानी के एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण से उनकी सडन डेथ हो गई। अमन और प्राण भी मूवी में एक रोल प्ले करते हुए और बजट इशू के वजह से अमन ने फिल्म में कोई पैसा चार्ज नहीं किया। बारोद ने फिल्म अपने मेंटर मनोज कुमार को दिखाई और मनोज कुमार का ये कहना था कि फिल्म काफी टाइट है और उन्हें एक सॉन्ग की जरूरत है। तभी फिल्म में करके पान बनारस वाला गाना ऐड किया गया। फिल्म बिना किसी प्रमोशन के रिलीज हो गई और पहले हफ्ते में ही फिल्म को फ्लॉप बता दिया गया। लेकिन दूसरे हफ्ते तक गाना कहके पान बनारस वाला काफी हिट हो गया और साथ ही दूसरे हफ्ते तक फिल्म को हिट बता दिया गया। फिल्म से कमाए गए पैसे को उनके द्वारा लेट ईरानी की वाइफ को दे दिया गया ताकि वो अपने कर्जे पूरे कर सके। 2006 में डॉन का कमबैक हुआ, जिसमें शाहरुख खान ने डॉन का किरदार निभाया और फिल्म का डायरेक्शन फरहान अख्तर ने किया। फिल्म को काफी सक्सेस मिली और फिल्म का दूसरा सीक्वल 2011 में रिलीज हुआ और फिल्म हाईएस्ट ग्रोसिंग ऑफ द ईयर रही। अब दोबारा फरहान अख्तर मूवी के तीसरे सीक्वल के साथ वापसी आने वाले है और मूवी में शाहरुख का कोई रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता। फिल्म का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, मगर फरहान ने बता दिया है कि वो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। जल्द हमें फिल्म थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। हम भी जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर हैं अखिल गंगवाल।
कौन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब दिलाने वाला डायलॉग तो आप सभी को याद ही होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। मैं पाई पवार आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम चुस्त और दुरुस्त होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म डॉन के थर्ड फ्रेंचाइज की। 1978 की ओरिजिनल डॉन फिल्म को सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा था। इस फिल्म को चंद्र बारोट ने डायरेक्ट किया था, जिसके मेन लीड में अमिताभ बच्चन दिखाई दिए थे। इसकी रिमेक सीरीज को जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने क्रिएट किया था। 2006 में इसकी रिमेक सीरीज डॉन द चेज बिगिंस अगेन से शुरू की गई थी। इसका सीक्वल डॉन 2 2011 में रिलीज किया गया था, जिसके मेन लीड में शाहरुख खान नजर आए थे। उनके साथ इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी और ओम पुरी ने भी स्क्रीन शेयर किया था। तो शाहरुख के बिना तो ये फिल्म नामुमकिन है और फैंस भी उन्हें इस फिल्म में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख के उमदा परफॉर्मेंस ने सभी के दिल पर एक छाप छोड़ दी थी। तो इंडियन फिल्म फ्रेंचाइजेस की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है। साथ ही इस फ्रेंचाइज को कॉमिक्स और वीडियो गेम्स की दुनिया तक भी एक्सपैंड किया गया था। तो अब सवाल ये होता है कि कौन होगा डॉन 3 के मेन लीड में? क्या प्लानिंग चल रही है डॉन 3 की? बता दें कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस फिल्म में हमें किंग खान देखने को मिलेगी भी या नहीं। डॉन की ओरिजिनल फिल्म का प्लॉट विजय, जो कि डॉन का हमशक्ल होता है, उसे डॉन को रंगे हाथों एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में पकड़ने का आदेश मिलता है। रिमेक सीरीज का प्लॉट खुद डॉन के चारों ओर घूमता दिखता है। डॉन फिल्म के काफी साउथ इंडियन रीमेक और स्पिन ऑफ जैसे कि द बिल्ला सीरीज तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म्स में भी बनाए जा चुके हैं। डॉन 2 की रिलीज के बाद फरहान अख्तर का कहना है कि डॉन 3 बनाने का भी प्लान है। उनका कहना ये भी है कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को 2014 से लिखते आ रही हैं, पर ये फिल्म अभी कम्प्लीट होना बाकी है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी इस फिल्म के साथ डॉन के रूप में बिग स्क्रीन पर वापसी करने के लिए एकदम तैयार है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में बोमन ईरानी और कुणाल कपूर अपने पुराने कैरेक्टर्स वरदान और समीर अली के रोल्स को ही रिप्लाइज करते नजर आएंगे। बता दें कि इस फिल्म में फरहान अख्तर खुद भी एक्ट करते नजर आएंगे। इस फिल्म में वो एक इंटरपोल ऑफिसर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म की लोकेशंस और कास्टिंग भी जल्द ही रिवील की जाएगी। सुनने में ये भी आ रहा था कि इस फिल्म में अमायरा दस्तूर एक 23 साल की लड़की के रूप में डॉन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती स्क्रीन पर नजर आएगी। पर हाल ही की रिपोर्ट्स में एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग खान ने इस फिल्म से कुछ पर्सनल रीजंस के लिए ऑप्ट आउट कर लिया है और बॉलीवुड की सिंगर रणवीर सिंह इस फिल्म में डॉन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोया अख्तर प्रोड्यूस की फ्रेंचाइज अभी भी काम में लगी हुई है, बट शाहरुख खान की इस फिल्म से निकलने की वजह से ये फिल्म अभी भी मेन लीड के बिना ही लटकी हुई है। सोर्सेज के मुताबिक इस फिल्म के मेकर्स ने रणवीर सिंह को इस हिट फ्रेंचाइज में शाहरुख के स्पॉट के लिए अप्रोच किया है। अभी ये फिल्म कोविड पैंडेमिक के कारण होल्ड पर रखी गई है। साथ ही में शाहरुख खान अपनी आखिरी 6 फिल्म्स जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, उनसे अभी कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहते हैं और प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स सीरीज पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसा अभी के फैंस के लिए बेहद ही निराश कर देने वाली खबर है। फरहान अख्तर भी अभी अपनी कई अपकमिंग मूवीज जैसे कि तूफान को लेकर काफी बिजी है, तो यह भी कह पाना मुश्किल है कि कब इस फिल्म को शुरू किया जाएगा और इस फिल्म में हमें कौन सा स्टार देखने को मिलेगा और इस फिल्म की क्या कहानी होगी और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में अपनी पिछली हिट फ्रेंचाइज को टक्कर दे भी पाएगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। और बॉलीवुड में रिलीज होने वाली अपकमिंग फिल्मों की खबरों और डॉन 2 के बाद शाहरुख खान एक बार फिर नजर आ सकते हैं डॉन की थर्ड फ्रेंचाइज में। हाँ जी, फरहान अख्तर के अकॉर्डिंग डॉन 3 को बनाने का भी प्लान है। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉन की थर्ड फ्रेंचाइज भी जल्द ही शुरू हो सकती है, तो आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि कौन होगा डॉन 3 के मेन लीड में? क्या प्लानिंग चल रही है डॉन 3 की? बता दें कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस फिल्म में हमें किंग खान देखने को मिलेंगे भी या नहीं। ऐसा भी कि फैंस भी सबरी से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, पर अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इस फिल्म में डॉन के किरदार में शाहरुख बिग स्क्रीन पर नजर आएंगे भी या नहीं। तो अब शुरू करते हैं डॉन की ओरिजिनल फिल्म, जिसके बाद इस फिल्म की फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी। दरअसल 1978 में डॉन की ओरिजिनल फिल्म को सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा था। इस फिल्म को चंद्र बायरोट ने डायरेक्ट किया था, जिसके मेन लीड में अमिताभ बच्चन दिखाई दिए थे। इसकी रिमेक सीरीज को जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने क्रिएट किया था। 2006 में इसकी रिमेक सीरीज डॉन द चेज बिगिंस अगेन से शुरू की गई थी। इसका सीक्वल डॉन 2 2011 में रिलीज किया गया था, जिसके मेन लीड में शाहरुख खान नजर आए थे। उनके साथ इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी और ओम पुरी ने भी स्क्रीन शेयर किया था।
डॉन इंडियन फिल्म फ्रेंचाइजेस की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक फिल्म है। साथ ही इस फ्रेंचाइज को कॉमिक्स और वीडियो गेम्स की दुनिया तक भी एक्सपेंड किया गया था। डॉन की ओरिजिनल फिल्म का प्लॉट विजय, जो कि डॉन का हमशक्ल होता है, उसे डॉन को रंगे हाथों एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में पकड़ने का आदेश मिलता है। रिमेक सीरीज का प्लॉट खुद डॉन के ही चारों ओर घूमते नजर आता है। डॉन फिल्म के काफी साउथ इंडियन रिमेक्स और स्पिन ऑफ जैसे कि द बिल्ला सीरीज तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म्स में भी बनाए जा चुके हैं। डॉन थ्री द चीज एंड्स को भी जोया अख्तर ही प्रोड्यूस करेंगी ऐसा कहा जा रहा है, पर अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि कौन इस फिल्म के मेन लीड में होगा। क्या होगी इस फिल्म की कास्टिंग, लोकेशन और प्रोडक्शन? डॉन 2 की रिलीज के बाद फरहान अख्तर का कहना है कि डॉन 3 बनाने का भी प्लान है। उनका कहना ये भी है कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को 2014 से लिखते आ रहे हैं, पर ये फिल्म अभी भी कम्प्लीट होना बाकी है। फरहान भी अभी अपनी अपकमिंग फिल्म तूफान को लेकर काफी बिजी है, तो ये फिल्म कब तक ऑन फ्यूज जा पाएगी ये कह पाना अभी मुश्किल है। साथ ही में हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें इस फिल्म में शाहरुख खान देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग खान ने इस फिल्म से कुछ पर्सनल रीजंस के लिए ऑप्ट आउट कर लिया है। और क्या है वो पर्सनल रीजंस, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। क्या है कि शाहरुख अपनी आखिरी 6 फिल्म्स जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, उनसे अभी कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहते हैं और प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स सीरीज पर फोकस करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये खबर एसआरके के फैंस के लिए बेहद ही निराश कर देने वाली खबर है, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यही इस फिल्म की सच्चाई है। पर सोर्सेज के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि फरहान ने इस फिल्म में डॉन की स्पॉट के लिए बॉलीवुड के सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह को अप्रोच किया है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग खत्म होती है और कौन सा स्टार हमें इस फिल्म की मेन लीड में देखने को मिलेगा। अगर रणवीर इस फिल्म के लिए फाइनलाइज किए गए तो ऑडियंस उन्हें डॉन के रूप में देखकर कितना पसंद करेगी, और देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म अपनी पुरानी फ्रेंचाइज को टक्कर दे भी पाती है या नहीं। तो ये थी डॉन 3 द चीज एंड से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातें। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। और बॉलीवुड में रिलीज होने वाली अपकमिंग फिल्मों की खबरों के लिए देख दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। फरहान अख्तर जल्द ही ला सकते हैं फिल्म डॉन के थर्ड फ्रेंचाइज यानी कि डॉन 3 द चेज एंड्स को। दरअसल अफवाहों का बाजार गर्म है कि फिल्म मेकर फरहान अख्तर डॉन की थर्ड इंस्टॉलमेंट की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात पे कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉल गैट स्टूडियोज में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉन की थर्ड फ्रेंचाइज भी जल्दी शुरू हो सकती है, तो आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि कौन होगा इस फिल्म के मेन लीड में। क्या प्लानिंग चल रही है डॉन 3 की? क्या शाहरुख खान ही हमें इस फिल्म में डॉन के रूप में देखने को मिलेंगे या नहीं? तो फ्रेंड्स इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको इस फिल्म की छोटी से छोटी बातों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फरहान द्वारा प्रोड्यूस, लिखित और निर्देशित डॉन की पहली दो फ्रेंचाइजीज में मेन लीड में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ही नजर आए थे, पर अब सुनने में ये खबर आ रही है कि इस फिल्म की थर्ड इंस्टॉलमेंट में रणबीर कपूर डॉन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। शाहरुख की फिल्म जीरो के फेलियर के बाद से ही उन्होंने अभी तक अपने कोई नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है। सोर्सेज की माने तो किंग खान अभी कुछ समय के लिए एक्टिंग से खुद को दूर रखना चाहते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के जरिए ये भी सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान आजकल अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए राजकुमार हिरानी से भी बातचीत कर रहे हैं। ये फिल्म हिरानी द्वारा ही डायरेक्ट की जाएगी और रेड चिलीज के बैनर के अंडर बनाई जाएगी। अभी फिलहाल रणबीर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और अक्की नैनी नागार्जुन भी स्क्रीन पर नजर आएंगे। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस और अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। डॉन 3 की अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है, पर इस फिल्म को लेकर काफी अफवाहें सामने आ रही है। पहले ये भी खबर आई थी कि इस फिल्म में फरहान ने डॉन की स्पॉट के लिए बॉलीवुड के सिम्बा
यानी कि रणवीर सिंह को भी अप्रोच किया है, पर ये खबर कितनी सच्ची है ये अभी कहा नहीं जा सकता। रणवीर सिंह अभी फिलहाल अपनी कई आने वाली फिल्म्स जैसे कि 83, सर्कस, जयेश भाई जोरदार और तख्त को लेकर काफी बिजी है, पर उनकी फिल्म्स की लिस्ट में अभी तक डॉन 3 शामिल नहीं हुई है। सिर्फ रणबीर या रणबीर ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा था कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को भी बॉलीवुड की लीला यानी कि दीपिका पादुकोण रिप्लेस कर सकती है, पर डॉन 3 के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने इस खबर से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का पार्ट नहीं होंगी। साथ ही में ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि जैकी फर्नांडिस भी इस फिल्म में नजर आ सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी इस खबर को गलत बता दिया। उफ, इस फिल्म को लेकर तो अभी काफी कंफ्यूज कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं, पर इन सभी खबरों पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे फरहान अख्तर का कहना है कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को 2014 से ही लिखते आ रहे हैं, पर ये फिल्म अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। फरहान भी अभी अपनी अपकमिंग फिल्म तूफान को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं, तो ये फिल्म कब तक ऑनक्लूज जा पाएगी ये कह पाना भी मुश्किल है। अभी तक इस फिल्म से लेकर किसी भी खबर पर कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। इस फिल्म को करने का सपना हर बड़ा एक्टर देख रहा है, पर देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये फिल्म शुरू होती है तो इस फिल्म में कौन सा स्टार बाजी मार जाएगा। तो ये थी फिल्म डॉन 3 द चेज एंड से रिलेटेड कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातें। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। बॉलीवुड में रिलीज होने वाली बॉलीवुड के बादशाह मिस्टर शाहरुख खान की सबसे सफल एक्शन सीरीज डॉन के तीसरे पार्ट का इंतजार दर्शकों के बीच काफी लंबे समय से हो रहा है। डॉन सीरीज में शाहरुख खान का स्वैग और स्टाइल अलग ही लेवल पर था, जिस कारण उनके फैंस को इस सीरीज की तीसरी फिल्म का इंतजार सालों से है। फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर जब भी मीडिया के साथ तो दोनों से एक ही सवाल पूछा जाता है कि डॉन 3 कब आ रही है, कब शुरू होगी। एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने इस बात की जानकारी दी कि वो डॉन 3 की कहानी पर काम कर रहे हैं और ये फिल्म जरूर बनेगी। रितेश सिद्धवानी के अनुसार ये फिल्म जरूर बनेगी, लेकिन कब मैं ये नहीं बता सकता। हम चाहते हैं कि डॉन 3 पहले की दोनों फिल्मों की तरह ही शानदार बने। इन दिनों हम इसकी कहानी पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसे बनाएंगे। तो देखा जाए तो शाहरुख खान जब भी सोशल मीडिया पर #AskSRK सेशन रखते हैं तब फैंस उनसे ये सवाल जरूर पूछते हैं कि वो डॉन 3 कब लेकर आ रहे हैं। किंग खान के फैंस को रितेश के जवाब से थोड़ा करार तो जरूर मिला होगा, क्योंकि डॉन 3 शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। अगर किंग खान के करियर की बात करें तो पिछले कुछ समय से वो बॉक्स ऑफिस पर एक भी हिट फिल्म देने में कामयाब नहीं रहे। उनकी हर फिल्म सिनेमा घरों में धूल फाकती दिखी है। अलग अलग जॉनर की फिल्में ट्राई करने की बाद भी यशराज बैनर की पठान साइन की है, जिसकी शूटिंग इन दिनों चल रही है। फिल्म में जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और सबसे बड़ी बात कि सलमान खान का फिल्म में कैमियो है और कैमियो में एक जबरदस्त एक्शन सीन है। तो दोस्तों, देखते हैं कि डॉन 3 की स्टोरी कब तक कंप्लीट होती है और शाहरुख खान कब इस फिल्म के लिए तैयार होते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं। वेल फ्रेंड्स, आप कितने एक्साइटेड है और क्या चाहते हैं आप भी कि फिल्म डॉन 3 जल्दी से जल्दी बने और आप उसका मजा ले सकें। सो ऑल कमेंट बॉक्स इज योर्स। अपनी अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार, कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। क्या आने वाली है फिल्म डॉन 3? कौन सी एक्ट्रेस आएंगी नजर? फिल्म में क्या नहीं दिखाई देंगी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा? यूं तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर लगता है वक्त करीब है जब हम डॉन को पकड़े नहीं पर हाँ एक बार फिर से स्क्रीन पर देखेंगे। नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ प्रियंका आपकी चहेती और स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज पर। आज हम आपको बताएंगे अब किंग खान की आने वाली फिल्म यानी डॉन श्रृंखला की तीसरे इंस्टॉलमेंट डॉन 3 के बारे में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर ने साल दो साल पहले ही दर्शकों को एक ऐसे हिट की पोटली पकड़ाई कि फैंस सिर पैर का देख बिना बस किंग खान का नारा लगाने में लीन हो गए।
वैसे तो फिल्म से जुड़ी खबरें ज्यादा बाहर नहीं की गई, पर प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी, जिन्होंने हाल ही में KGF 2 को प्रोड्यूस किया, उन्होंने ये स्टेटमेंट साफ तौर पर दे दिया है कि फिल्म डॉन 3 आएगी, पर कब इसका उन्हें खुद भी नहीं पता। पर क्या एक्ट्रेस को लेकर बात फाइनलाइज की गई है। फिल्म डॉन 3 की शूट तो 2019 में ही शुरू होने वाली थी, पर किन्हीं वजह के कारण अब तक शूट कंप्लीट नहीं हो पाई है। एक्टर फरहान अख्तर फिल्म की स्क्रिप्ट पर 2014 से काम कर रहे थे और फाइनली फिल्म का प्लॉट रेडी है। कैरेक्टर्स की बात करें तो फिल्म में होंगे शाहरुख खान द मेन लीड, फरहान अख्तर, बम्मन ईरानी और भी कई। इसमें कुछ तो मिसिंग लग ही रहा है, राइट? अरे तो हम आपको बताते हैं कि अभी तक हमने नहीं बात की डॉन 3 की आने वाली हीरोइन की। दरअसल कुछ इंटरव्यू या बातों के अनुसार ही पता चला है कि इस वर्ष फिल्म डॉन की आखिरी इंस्टॉलमेंट में PC यानी कि प्रियंका चोपड़ा, मशहूर अदाकारा को नहीं किया जाएगा कास्ट। जी हाँ, खबरों के मुताबिक ये बातें सामने आई है कि फिल्म डॉन 3 में प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस कर सकती है कोई नई अदाकारा। ऐसे न्यूज के बाद फैंस ने निराशा व्यक्त करते हुए नेक्स्ट हीरोइन के रिवील के बारे में भी पूछा। सभी लोग अलग अलग एक्ट्रेस के नाम लेने लगे, हालांकि सबसे ज्यादा नाम दीपिका पादुकोण का ही बाहर आया। सभी ने बादशाह से कई बार ये पूछा क्या फिल्म में अब दीपिका होंगी। इसका भी जवाब देते हुए रितेश, फिल्म के प्रोड्यूसर, ने कहा दीपिका इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। थैंक यू रितेश जी, कम से कम ये कहकर आपने हम सब की एक तकलीफ तो कम कर दी। वो था इस बात का कंफ्यूजन कि क्या दीपिका होंगी फिल्म में शाहरुख के आमने सामने। पर अब भी इस बात की फाइनल कंक्लूजन बाहर नहीं आई है कि क्या सच में प्रियंका नहीं रहेंगे फिल्म का हिस्सा। जानेंगे हम इस खुफिया कन्वर्सेशन का जवाब जल्द ही, जब सिनेमा में शूट के लिए रेडी होगी फिल्म डॉन 3। तब तक के लिए हमारी सभी प्यारी ऑडियंस से हमारा रिक्वेस्ट है कि कृपया जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा किसे चाहते हैं आप फिल्म डॉन 3 में। बताओ मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। ये गुमनामी का समुद्र है, उसमें ही जाके दोस्तों के आखिर फरहान अख्तर का कौन सा स्टेटमेंट रहा डिप्लोमेटिक, और क्या रणवीर सिंह भी नहीं रहेंगे फिल्म का पार्ट? जोया अख्तर के किस स्टेटमेंट की वजह से फैंस हुए डिसअपॉइंट? तो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियो गाइस, और मैं हूं अनुष्का त्यागी, और आपका स्वागत है हमारी नई और चटपटी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म डॉन 3 के बारे में। तो शाहरुख खान अगेन र्यूमर मिल रही है उनकी थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ डॉन फ्रेंचाइज को लेकर। बहुत सारी स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं फरहान अख्तर द्वारा डायरेक्ट की गई डॉन सीरीज के बारे में। PTI के साथ इंटरव्यू के दौरान रितेश सिद्धवानी, जिन्होंने डॉन और डॉन 2 को प्रोड्यूस किया है, कमेंट किया था कि मेकर्स ने फाइनली डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग शुरू कर दी है, पर 2 साल हुए हैं अभी तक डॉन 3 के बारे में कोई कंफर्म अपडेट्स नहीं सामने आए हैं। तो फैंस स्टिल क्विजिंग कर रहे हैं कि शाहरुख खान फिल्म का पार्ट होंगे भी या नहीं। और ये कुछ र्यूमर्स ऐसी भी आ रही थी कि रणवीर सिंह डॉन 3 का हिस्सा होने वाले हैं। जब फरहान अख्तर को इस र्यूमर पे कमेंट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं थक चुका हूँ डॉन 3 के बारे में क्वेश्चंस करते हुए और शाहरुख खान के रोल की कास्टिंग के बारे में बोल बोल कर। लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि फरहान अख्तर ऐसा कुछ न्यूज के लिए जिम्मेदार नहीं। फरहान अख्तर ने स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया कि वो फिल्म के बारे में अनाउंसमेंट कर देंगे ऑफिशियली, ही वुड नॉट हैव एनीथिंग टू हाइड। फरहान अख्तर का स्टेटमेंट हार्ड था डिकोड करने के लिए, आज फरहान अख्तर ने स्टेटमेंट क्वाइट डिप्लोमेटिक बना दिया था। बाद में मीडिया ने जोया अख्तर पर बॉम्बारिंग की सेम क्वेश्चंस की, साथ उन्होंने रणवीर सिंह की न्यूज को रिजेक्ट भी किया। जोया ने कहा रणवीर सिंह प्लेइंग डॉन इन डॉन 3 एज बीइंग एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि शाहरुख खान उनके होम क्रू के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या नहीं, तो जोया ने उस टॉपिक पर बात करने से मना कर दिया था और कहा आई एम नॉट फरहान अख्तर, शाहरुख खान और रितेश सिद्धवानी टू कमेंट और एनीथिंग रिलेटेड टू द
फिल्म। तो जोया के जनरल डॉन 3 के प्रोडक्शन के बारे में बात करने के शॉर्टली फैंस को डिसअपॉइंट कर गया है। तो बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं आपसे बॉलीग्राड स्टूडियोज की अगली वीडियो में कुछ नई और चटपटी बातों के साथ। और हाँ, हमारी आज की राइटर है रुशाली। क्या डॉन 3 की फाइनल रिलीज अनाउंस हो चुकी है? डॉन की सीरीज की टोटल कलेक्शन कितनी रही? कौन सी सीक्वल से कमाए सबसे ज्यादा पैसे? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये तो आपने जरूर सुना होगा। और अब सुनिए कि डॉन वापस आ चुका है, तो क्या इस बार डॉन को पकड़ना नामुमकिन होगा? वेल, जावेद अख्तर और सलीम खान द्वारा ओरिजिनल लिखी गई फिल्म डॉन की शुरुआत तो अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन से ही हुई थी, पर 2006 में बने फिल्म के रीमेक में शाहरुख खान वॉज इन द लीड रोल। इस फिल्म से डॉन का खौफ जनता में आया और इस फिल्म को सुपर हिट करने में साबित हुआ। 1978 में फिल्म डॉन का डायरेक्शन जावेद सर ने बहुत ही बखूबी से संभाला। अमिताभ के रोल से सभी बहुत ही खुश हुए। इसके बाद 2006 में फिल्म के रीमेक डॉन द चेज बिगिन में बेटे फरहान ने मूवी को किया था डायरेक्ट, जिसमें शाहरुख खान को मेन लीड के रूप में लिया गया और उनके साथ दिखी थी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। इसके अलावा फिल्म में ओम पुरी साहब और बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स भी नजर आए। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि फिल्म ने बहुत ही अच्छा अमाउंट कमाया था 1978 के जमाने में। अमिताभ बच्चन की उस वक्त की कमाई लगभग 7 मिलियन के आसपास थी, मगर 2006 में आई डॉन मूवी ने इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया। फिल्म को इतना सारा प्यार मिलते देख मेकर्स खुद सरप्राइज थे। अंत में कुल 380 मिलियन के कलेक्शन की मूवी डॉन द चेज बिगिंस अगेन में फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग मलेशिया में हुई थी। फिल्म में पुलिस ड्रग्स ट्रेडिंग के मामले में डॉन को पकड़ना चाहती है, लेकिन डॉन एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। उसके पीछे कुल 11 मुल्कों की पुलिस उसका इंतजार कर रही है, तभी वो इंडिया ट्रैवल करता है ताकि वो कुछ ड्रग्स ट्रेड कर सके। इस फिल्म का जब सीक्वल आया तो शाहरुख खान के फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा। जनता ने शाहरुख को इतनी बधाइयां दी कि वो सभी उन्हें कामयाबी की ओर ले जाती हुई दिखी। 2011 में आई डॉन 3 द किंग इज बैक ने पहली मूवी से भी अधिक कमाई की। फिल्म करीब 850 मिलियन की कलेक्शन करते हुए ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और बेहतरीन सक्सेस बनी। हालांकि इस फिल्म के राइटर्स थोड़े डिफरेंट जरूर थे। क्या यही वजह हो सकती है कि पिछली दो मूवी से बेहतर कमाई कर फिल्म आगे निकल गई? वैसे वजह जो भी हो, लेकिन अब बारी है डॉन 3 टू गिव इट अगेन। फिल्म के थर्ड सीक्वल लेकर आने का ऐलान तो फरहान ने कर दिया है, और खबर सुनते ही जिस हिसाब का रिएक्शन फैन से मिला उससे तो यही लगा कि फिल्म डॉन 2 से भी ज्यादा का कलेक्शन कर ले जाएगी इस बार। आफ्टर ऑल बादशाह की फैन बेस कुछ तो बड़ी ही है। देखते हैं क्या होगा फिल्म डॉन 3 में और क्या फिल्म सक्षम रहेगी स्क्रीन पर छाने के लिए। अन्य खबर जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ। जरवान कह रहे हैं कि उनके दरवाजे पर दोबारा आने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ जरवान का दरवाजा नहीं, अपना कंसाइनमेंट लेने आया हूँ। वो रहा तुम्हारा कंसाइनमेंट। क्या तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में 36 ऐसी जगह है जहां तक
तरीके से मारा जाए तो उसकी मौत हो सकती है। इस हद से बस मेरे लिए एक फैसला करना मुश्किल हो रहा है। वो क्या? तुम दोनों में से पहले किसे मारा जाए। मैं यहां तुम्हें अपने बर्थडे का कार्ड लेने आया हूं। वेयर इज माय मनी? राइट हियर। छोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना? अब क्या क्या छोड़ो? सबको तो छोड़ चुका हूं सिवाय तुम्हारे। रियली डॉन, आज तो मुझे लगा कि तुम पकड़े जाओगे। मैंने नहीं सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुझे पीस के नाम पड़ गया। अपने हाथ पकड़। वो नकली। वो मरी सुया हमेशा के पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। माय किंग। और जहां तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है तो एक बात हमेशा याद रखना, प्लीज डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। को लेकर क्या रितेश सिद्धवानी ने फिल्म के लीड एक्ट्रेस को लेकर दिए कुछ अपडेट्स। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई चटपटी वीडियो में मैं पलक गुप्ता आज आपसे बात करने वाली हूँ डॉन 3 फिल्म के बारे में। डॉन 2 की सीक्वल को लेकर दिन ब दिन बहुत सी खबरें आ रही हैं सामने और डॉन फ्रेंचाइजी एक मेडीना फ्रेंचाइजी है सेंटर्ड डॉन, जिसमें फिक्शनल सीरीज है जो कि बेस्ड है इंडियन वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड बॉस पर। अब डॉन फ्रेंचाइजी 1978 में ओरिजिनेट हुई थी और हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन के साथ। डॉन फिल्म की रीमेक सीरीज डॉन द चेज बिगिंस अगेन के साथ हुई और उसके बाद 2011 में सीक्वल फिल्म डॉन 2 द किंग इज बैक रिलीज हुई। डॉन और डॉन 2 के सुपरहिट होने के बाद फिल्म पर कॉमिक्स और वीडियो गेम्स भी बनाए गए और 1978 में आई डॉन फिल्म की स्टोरी दी थी सलीम और जावेद अख्तर ने। डॉन फिल्म को डायरेक्ट किया था चंद्रा बारोट ने, जिसने अमिताभ बच्चन टिटुलर रोल में निभाए गए थे। अब रीमेक सीरीज का डायरेक्शन जावेद की ही बेटे अफरान अख्तर ने किया, जिसमें टिटुलर रोल में शाहरुख खान थे। अब डॉन फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म फ्रेंचाइजी में एक से एक है। फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास फिल्म के प्लॉट के लिए अभी तक कुछ प्रॉपर आइडियाज नहीं आए हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर डॉन 3 को लेकर काफी खबरें सामने आती हैं और फिल्म की कास्टिंग को लेकर, स्क्रिप्टिंग को लेकर और बहुत सी, जिसमें हमेशा क्वेश्चंस होते हैं फरहान अख्तर से और रोज भी इन सब ट्वीट से तंग आकर हो चुके हैं। फरहान ने कहा कि अब जब डॉन 3 की प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग और प्लॉट रेडी हो जाएगा तब वो ऑफिशियल अनाउंस कर देंगे, उन्हें अभी ऐसे परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करंटली फरहान उनकी आने वाली फिल्म तूफान पर काम कर रहे हैं और रितेश सिद्धवानी, जिन्होंने डॉन और डॉन 2 को प्रोड्यूस किया था, वो रिसेंटली मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कहा एक्सेल एंटरटेनमेंट की डॉन फ्रेंचाइजी पर हम वर्क कर रहे हैं और सून अनाउंस भी कर देंगे। अब कुछ रूमर्स ऐसे सामने आ रहे हैं
कि डॉन 3 में प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस दीपिका पादुकोण से किया जा रहा है, लेकिन रितेश सिद्धवानी ने कहा कि दीपिका पादुकोण फिल्म का पार्ट नहीं है, लेकिन इस बार डॉन 3 कल प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड एक्ट्रेस नहीं होने वाली है। अब बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे आपको कि अगली सीरीज या अगली फिल्म में कौन रहेगा हीरो, कौन रहेगी हीरोइन। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट कुरुशाली ने लिखा है। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊं। क्या डॉन 2 के एनिवर्सरी पर मिल चुका है डॉन 3 का सरप्राइज? क्या ऋतिक रोशन इस बार फिल्म में होने वाले हैं? क्या कैटरीना कैफ की भी एंट्री होने वाली है डॉन 3 में? क्या होने वाली है डॉन 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। बात करेंगे डॉन 3 की, जो कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। आपको बता दें, शाहरुख खान और फरहान अख्तर की जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन की तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार फैंस को काफ़ी समय से है। और अब जब 23 दिसंबर को डॉन 2 की रिलीज को 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस पर डायरेक्टर फरहान अख्तर ने फिल्म से जुड़ी कुछ यादें शेयर की और इन यादों के साथ फरहान ने डॉन 3 का भी हिंट दे दिया। दरअसल फरहान ने डॉन 2 की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, डॉन 2 को 9 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन तलाश अभी भी जारी है। अब जब से फरहान ने ये लिखा है, फैन बस डॉन 3 का इंतज़ार करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। ये हिंट मान रहे हैं कि लगता है कि डॉन 3 आने ही वाली है। वैसे तो डॉन 3 के बारे में अफवाहें अक्सर उड़ती ही रहती है। किस्सों की माने तो फरहान ने कुछ आइडिया शाहरुख को पिच भी किए थे, लेकिन शाहरुख खान को वो आइडिया पसंद नहीं आए। कुछ सालों पहले अफवाह थी कि डॉन 3 का नाम होगा डॉन द फाइनल चैप्टर। फिल्म के लिए एक कहानी भी फाइनल कर ली गई थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। वहीं आपको बता दें, फरहान अख्तर की इस फिल्म की कहानी से जावेद अख्तर को बिल्कुल दूर रखा गया है। दरअसल इस फिल्म को अमित और अमरीश नाम के दो लोग फरहान अख्तर के पास डॉन सीक्वल के ढेर सारे आइडियाज लेके आए थे। फरहान ने उन्हें अपने आइडिया भी बताए और सीक्वेंस लिखने का जिम्मा भी सौंपा है। अब जावेद अख्तर को दूर रखने की एक वजह है। दरअसल फरहान अख्तर इस फिल्म से जावेद अख्तर को इसीलिए दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो डॉन 3 बनाएगा उसे डॉन का बहुत बड़ा फ़ैन होना चाहिए और उनके पिता ने खुद ये कहानी लिखी है, तो वो डॉन के फ़ैन कैसे हो सकते हैं। इसीलिए इस बार ये तीनों, यानी कि जो जिनका नाम मैंने आपको बताया, उसके साथ फरहान अख्तर काम करेंगे और डॉन की पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे। वहीं आपको बता दें, कैटरीना कैफ की भी एंट्री हो सकती है। कैटरीना कैफ हमेशा से किसी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा बनना चाहती थी, इसीलिए इस फिल्म के एक छोटे से हिस्से को कैटरीना कैफ ने एडिट किया है। फरहान का कहना था कि वो चाहते थे कि कैटरीना की यह दिली ख्वाहिश पूरी की जाए। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा ने सारे स्टंट खुद ही किए थे। दोनों ने बॉडी डबल लेने से इनकार किया था। फिल्म के एक सीन के लिए शाहरुख खान ने एक 300 फीट की बिल्डिंग से छलांग भी लगाई थी। वहीं फिल्म के कुछ सीन मलेशिया के मलक्का जेल के असली कैदियों के साथ शूट किया गया था। इसके लिए फिल्म के क्रू को अलग से कपड़े दिए गए थे, जिससे समझ आ सके कि कौन कैदी है और कौन फिल्म का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें, फिल्म के मशहूर कार चेस सीक्वेंस के लिए कोरिया से 67 खास कारें मंगवाई गई थी। इतना ही नहीं, इस सीन की शूटिंग के लिए बर्लिन के एक बड़ी
अहम सड़क 3 हफ्तों के लिए बंद कर दी गई थी। वहीं लोगों को रोज अलग रास्ते से जाने का आदेश भी दिया गया था। इतने बड़े बजट की ये फिल्म रखी गई थी, इतने बड़े हेर फेर इस फिल्म के लिए किए गए थे। वहीं आपको बता दें, फिल्म यूके में 2 दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर को रिलीज हो गई थी और रिलीज होते ही इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था। यूके की टॉप 10 रिलीज फिल्मों के बॉक्स ऑफिस लिस्ट में खुद का नाम शामिल कर लिया था। इस फिल्म में काम करने के लिए बमन ईरानी ने 12 किलो वजन घटाया था। उन्होंने अपने लुक को धोखेबाज जैसा दिखाने के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई थी। बमन का कहना था कि फिल्म में विलन का किरदार बतौर एक्टर उनके करियर से को अलग ही दिशा देने वाला था, उनके करियर के लिए बेहद खास था। वहीं आपको बता दें, पिछले कुछ समय से ये भी अफवाह उड़ी थी कि ऋतिक रोशन भी एक कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। ऐसे में जब पब्लिक ने फिल्म में ऋतिक रोशन को देखा तो वो चौंक गए। फिल्म की रिलीज के बाद ऋतिक का नाम फिल्म की पब्लिसिटी में काफ़ी काम आया। तो दोस्तों, ये तो डॉन 2 से जुड़ी हुई खास बातें थी, और अब डॉन 3 का इंतज़ार हम सभी को है, जिसका हिंट हमें फरहान अख्तर ने दे दिया है। हो सकता है कि जल्द ही इस पे काम करे शाहरुख खान। फिलहाल तो पठान की शूटिंग करें, आपको कितना इंतजार है डॉन 3 का? मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊं। क्या डॉन 2 के एनिवर्सरी पर मिल चुका है डॉन 3 का सरप्राइज? क्या ऋतिक रोशन इस बार फिल्म में होने वाले हैं? क्या कैटरीना कैफ की भी एंट्री होने वाली है डॉन 3 में? क्या होने वाली है डॉन 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। बात करेंगे डॉन 3 की, जो कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। आपको बता दें, शाहरुख खान और फरहान अख्तर की जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन की तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार फैंस को काफी समय से है। और अब जब 23 दिसंबर को डॉन 2 की रिलीज को 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस पर डायरेक्टर फरहान अख्तर ने फिल्म से जुड़ी कुछ यादें शेयर की, और इन यादों के साथ फरहान ने डॉन 3 का भी हिंट दे दिया। दरअसल फरहान ने डॉन 2 की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, डॉन 2 को 9 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन तलाश अभी भी जारी है। अब जब से फरहान ने ये लिखा है, फैन बस डॉन 3 का इंतज़ार करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। ये हिंट मान रहे हैं कि लगता है कि डॉन 3 आने ही वाली है। वैसे तो डॉन 3 के बारे में अफवाहें अक्सर उड़ती ही रहती है। किस्सों की माने तो फरहान ने कुछ आइडिया शाहरुख को पिच भी किए थे, लेकिन शाहरुख खान को वो आइडिया पसंद नहीं आए। कुछ सालों पहले अफवाह थी कि डॉन 3 का नाम होगा डॉन द फाइनल चैप्टर। फिल्म के लिए एक कहानी भी फाइनल कर ली गई थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। वहीं आपको बता दें, फरहान अख्तर की इस फिल्म की कहानी से जावेद अख्तर को बिल्कुल दूर रखा गया है। दरअसल इस फिल्म को अमित और अमरीश नाम के दो लोग फरहान अख्तर के पास डॉन सीक्वल के ढेर सारे आइडियाज लेके आए थे। फरहान ने उन्हें अपने आइडिया भी बताए और सीक्वेंस लिखने का जिम्मा भी सौंपा है। अब जावेद अख्तर को दूर रखने की एक वजह है, दरअसल फरहान अख्तर इस फिल्म से जावेद अख्तर को इसीलिए दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो डॉन 3 बनाएगा उसे डॉन का बहुत बड़ा फ़ैन होना चाहिए, और उनके पिता ने खुद ये कहानी लिखी है तो वो डॉन के फ़ैन कैसे हो सकते हैं। इसीलिए इस बार ये तीनों यानी कि जो जिनका नाम मैंने आपको बताया, उसके साथ फरहान अख्तर काम करेंगे और डॉन की पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे। वहीं आपको बता दें, कैटरीना कैफ की भी एंट्री हो सकती है। कैटरीना कैफ हमेशा से किसी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा बनना चाहती थी, इसीलिए इस फिल्म के एक छोटे से हिस्से को कैटरीना कैफ ने एडिट किया है। फरहान का कहना था कि वो चाहते थे कि कैटरीना की यह दिली ख्वाहिश पूरी की जाए। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा ने सारे स्टंट खुद ही किए थे। दोनों ने बॉडी डबल लेने से इनकार किया था। फिल्म के एक सीन के लिए शाहरुख खान ने एक
300 फीट की बिल्डिंग से छलांग भी लगाई थी। वहीं फिल्म के कुछ सीन मलेशिया के मलक्का जेल के असली कैदियों के साथ शूट किया गया था। इसके लिए फिल्म के क्रू को अलग से कपड़े दिए गए थे, जिससे समझ आ सके कि कौन कैदी है और कौन फिल्म का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें, फिल्म के मशहूर कार चेस सीक्वेंस के लिए कोरिया से 67 खास कारें मंगवाई गई थी। इतना ही नहीं, इस सीन की शूटिंग के लिए बर्लिन के एक बड़ी अहम सड़क 3 हफ्तों के लिए बंद कर दी गई थी। वहीं लोगों को रोज अलग रास्ते से जाने का आदेश भी दिया गया था। इतने बड़े बजट की ये फिल्म रखी गई थी, इतने बड़े हेर फेर इस फिल्म के लिए किए गए थे। वहीं आपको बता दें, फिल्म यूके में 2 दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर को रिलीज हो गई थी और रिलीज होते ही इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था। यूके की टॉप 10 रिलीज फिल्मों के बॉक्स ऑफिस लिस्ट में खुद का नाम शामिल कर लिया था। इस फिल्म में काम करने के लिए बमन ईरानी ने 12 किलो वजन घटाया था। उन्होंने अपने लुक को धोखेबाज जैसा दिखाने के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई थी। बमन का कहना था कि फिल्म में विलन का किरदार बतौर एक्टर उनके करियर से को अलग ही दिशा देने वाला था, उनके करियर के लिए बेहद खास था। वहीं आपको बता दें, पिछले कुछ समय से ये भी अफवाह उड़ी थी कि ऋतिक रोशन भी एक कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। ऐसे में जब पब्लिक ने फिल्म में ऋतिक रोशन को देखा तो वो चौंक गए। फिल्म की रिलीज के बाद ऋतिक का नाम फिल्म की पब्लिसिटी में काफ़ी काम आया। तो दोस्तों, ये तो डॉन 2 से जुड़ी हुई खास बातें थी, और अब डॉन 3 का इंतज़ार हम सभी को है, जिसका हिंट हमें फरहान अख्तर ने दे दिया है। हो सकता है कि जल्द ही इस पे काम करे शाहरुख खान। फिलहाल तो पठान की शूटिंग करें। आपको कितना इंतज़ार है डॉन 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। डॉन, क्या डॉन अब फिर से वापस आने वाला है? क्या हिंट मिल चुके हैं डॉन 3 को लेकर, और शाहरुख का कौन सा लुक आपको डॉन 3 की याद दिलाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन डॉन का वापस आना तो बेशक मुमकिन है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं 2006 में बनी शाहरुख की फिल्म डॉन के थर्ड पार्ट की। डॉन मूवी का निर्देशन किया था फरहान अख्तर ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल मुख्य किरदारों में और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओम पुरी सहायक भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म भी बॉलीवुड की कई फिल्मों की तरह 1978 में आई फिल्म डॉन का रीमेक थी, लेकिन इस फिल्म की गिनती शाहरुख के करियर की आइकॉनिक फिल्म्स में की जाती है। दोस्तों, शाहरुख का अंदाज, उनकी एक्टिंग, उनका लुक और उनके डायलॉग सब कुछ बेहतरीन था, और शायद ही कोई इतनी बखूबी से इस किरदार को निभा पाता। फिल्म के सक्सेस को देखते हुए फरहान अख्तर ने इस फिल्म का सीक्वल निकालकर डॉन को एक फ्रेंचाइजी में बदल डाला। 2011 में 2D और 3D के साथ तमिल और तेलुगु के डब्ड वर्जन में डॉन 2 को रिलीज किया गया, जहां फिर से मुख्य भूमिका में शाहरुख खान नजर आए। सुनने में तो ये भी आया था कि डॉन में एक नया चेहरा लाने की वजह से फिल्म के लिए पहले रणबीर कपूर को पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के लिए इनकार कर दिया था। खैर दोस्तों, ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद रणबीर कपूर को इस फिल्म को किंग खान से अच्छा अदा करने में सफल ना हो पाते। अब किंग खान को किसी रोल में टक्कर देना आसान बात भी तो नहीं है ना। आपको बता दें कि फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित डॉन 2 की कास्ट की परफॉर्मेंस, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर क्रिटिक्स ने फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया था, और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 270 करोड़ से भी ज्यादा रहा था। वहीं ये तो हम जानते हैं कि फरहान अख्तर एक डायरेक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं। इसीलिए जब डॉन 3 से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, तो फरहान अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने में लगे थे। वे मूवीज जैसे गोल्ड और द स्काई इज पिंक की शूटिंग में काफी व्यस्त चल रहे थे।
हाल ही में जब फरहान से डॉन 3 को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉन 3 का बनना एक बहुत बड़ी और मैसिव अनाउंसमेंट होगी और इसकी घोषणा या इससे जुड़ी कोई भी खबर मैं खुद आपको दूंगा। इससे फैंस के दिलों में डॉन 3 को लेकर एक उम्मीद तो जागी थी, वहीं डॉन 3 की कास्ट को लेकर जहां अफवाहें आ रही थी उस पर भी फरहान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन पर बिलीव करने से मना किया है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है कि फरहान अपनी एक्टिंग से ब्रेक लेकर अब वापस डायरेक्शन पर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी कई अपकमिंग मूवीज आजकल चर्चा में चल रही हैं और अगर ऐसा होता है तो उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा डॉन 3। आपको बता दें कि जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने भी डॉन को लेकर ट्विटर पर पोस्ट किया है कि यू विल नेवर नो व्हाट डॉन विल डू नेक्स्ट एंड यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। वहीं पोस्ट में SRK को टैग भी किया गया है। अब ये देखकर तो यही लगता है कि या तो रिलायंस एंटरटेनमेंट अपने दर्शकों को डॉन 3 को लेकर एक हिंट देना चाहता है कि डॉन अब वापस फिर से लौटने वाला है, या ऑडियंस को फिल्म डॉन 2 की याद दिलाकर उकसा रहे हैं। वहीं SRK का पोस्टर देखकर भी ये तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉन 3 चाहे जब भी बने इस फिल्म में आपको किंग खान यानी कि शाहरुख खान ही नजर आएंगे। फिलहाल आपको एक बता दें कि शाहरुख कभी आगामी फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं, जहां उनके लंबे बालों और बियर्ड वाले लुक को देखकर आपको फिल्म डॉन की याद जरूर आएगी। तो दोस्तों अब इंतजार है बस डॉन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। हालांकि हिंट तो मिल चुके हैं, लेकिन अपने फैंस के लिए शाहरुख कब तक लेकर आते हैं धमाकेदार फिल्म डॉन 3 और अपना वही पुराना डॉन का किरदार, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों ये थी फिल्म डॉन 3 से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को, ताकि आने वाली सभी नई फिल्मों की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है।